भाजपा नेता एवं राजस्थान के उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया गुरुवार को अपने एक दिवसीय दौरे को लेकर बाड़मेर पहुंचे। पूनिया ने चौटन में बिपरजॉय चक्रवाती तूफान के दौरान हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया व लोगों के दुख दर्द साझा किए। पूनिया ने चौटन कस्बे में वाकलसर बस्ती एवं सुंदरनगर मोहल्लों में पहुंचकर लोगों से चर्चा की तथा तूफान से हुए नुकसान की जानकारी ली। पूनिया ने लोगों की समस्या के संबंध में राज्य सरकार को अवगत करवाकर समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा, जिला परिषद सदस्य रूप सिंह राठौड़ सहित भाजपा के कार्यकर्ता उनके साथ रहे। चौटन से विपिन भंसाली की रिपोर्ट। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया गुरुवार को अपने एक दिवसीय दौरे को लेकर बाड़मेर पहुंचे। बाड़मेर में चौटन बिपरजॉय चक्रवाती तूफान के दौरान हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया और लोगों के दुख दर्द साझा किए। पूनिया ने चौटन कस्बे में बाकलसर बस्ती और सुंदरनगर मोहल्लों में पहुंचकर लोगों से चर्चा की तथा तूफान से हुए नुकसान की जानकारी ली। पूनिया ने लोगों की समस्याओं के संबंध में राज्य सरकार को अवगत करवाकर समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह अकारा, जिला परिषद सदस्य रूप सिंह राठौर, पूर्व जिलाध्यक्ष आधुरा मेघवाल प्रधान, रूपाराम सारण सहित भाजपा के कार्यकर्ता उनके साथ रहे। पूनिया ने चौटन कस्बे में बाकलसर बस्ती और सुंदरनगर मोहल्लों में पहुंचकर लोगों से चर्चा की तथा तूफान से हुए नुकसान की जानकारी ली। मोहल्ले के लोगों ने उन्हें बताया कि पहाड़ियों से भारी मात्रा में आने वाले पानी की निकासी के उचित प्रबंध नहीं है। जिन सड़क मार्ग को रास्तों से होकर पानी निकल जाता था, अब वहां अतिक्रमणों की भरमार है। लोगों ने अवगत कराया कि निकासी के अभाव में दोनों मोहल्लों में जल भराव के हालात बन जाते हैं तथा बरसाती नदियों का पानी सैकड़ों घरों में पानी भर जाता है। घरों में पानी जाने से गरीब बस्ती वासियों को घरेलू सामान बेकार हो जाने का बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। वहीं कई दिनों तक समूचा परिवार अस्त व्यस्त रहता है। कई बार पानी का बहाव तेज होने से मकानों को नुकसान होने का डर बना रहता है। कस्बे के लोगों ने जल निकासी व्यवस्था को सुधारने के लिए अतिक्रमण हटवाकर व्यवस्था सुधारने की मांग की। साथ ही कस्बे में ड्रेनेज एवं सीवरेज सिस्टम डेवलप करवाने की भी मांग रखी। किस तरीके से उस पर विचार करेंगे और सरकार को एक सकारात्मक पक्ष उसमें रखेंगे कि जो आपदा प्रबंधन है वो सरकार के कामकाज का प्राथमिक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब कोई आपदा आती है उसके बाद सजग होते हैं। जरूरत इस बात की पहले से सजग हों, लोगों को इस बात के लिए जागरूक करें और सुरक्षित जगह पर जाएं, सरकार उनकी व्यवस्था करें और उसके बाद जहां इस तरीके की घटनाएं होती हैं, जो डूब क्षेत्र में है या निचले क्षेत्र में है, उनके लिए पहले से सरकार कोई व्यवस्था करे पानी की निकासी की। कुल मिलाकर जो आपदा प्रबंधन है वो अब हमारा प्राथमिक काम का हिस्सा होना चाहिए। उसके बारे में आज सुबह से लेकर शाम तक जो चीज़ें मेरे संज्ञान में आएंगी, मैं सरकार को गुजारिश करूंगा कि जो पीड़ित लोग हैं उनको सुनवाई करके उनको राहत देने का काम करें। किस प्रकार की जनता की ओर से देखी गई ये समस्या? देखिए, यहाँ तो बड़ी समस्या पानी निकासी की है, तो उसको प्राथमिक तौर पर हम काम करेंगे। बाकी काम तो सरकार के पक्ष के उनको राय देंगे, हमारी सरकार आएगी प्राथमिक रूप से इनकी समस्या। जिन हवाई जहाज में क्या, मैं जमीन पे खड़ा हूँ, तो इसलिए जो जमीन पे खड़ा होगा उसको ज्यादा चीजों का पता लगेगा। मुख्यमंत्री ज्यादा शायद देख नहीं पाए, यहाँ भी आ नहीं पाए, उनको बताऊंगा कि इस बस्ती की कैसी समस्या और क्या समाधान कर। सीमावर्ती क्षेत्र के दौरे के दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने चौटन के लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी समस्या के संबंध में राज्य सरकार को अवगत करवाकर समाधान का भरोसा दिलाया। इसके बाद प्रतिपक्ष नेता सतीश पूनिया चौटन से धनावा सेडवा के लिए रवाना हो गई।